उज्जैन में शिप्रा तट पर एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर को विक्रम काल में बनवाया गया था। इस मंदिर में दो देवियां विराजमान हैं और ये दोनों बहनें हैं। एक को भूखी माता और दूसरी को धूमावती के नाम से जाना जाता है। जहां एक ओर इस मंदिर में माता को पशु बलि देकर खुश किया जाता है, वहीं दूसरी ओर लोग अपने हाथों से खाना बनाकर माता को भोग लगाते हैं। ये माना जाता है इससे माता प्रसन्न होती है। वहीं नवरात्र के दिनों में यहां माता को मदिरा यानी शराब का भोग भी लगाया जाता है। यहां की मान्यता के अनुसार राजा विक्रमादित्य के काल में भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। जैसे ही जवान लड़के को उज्जैन का राजा घोषित किया जाता था, वैसे ही भूखी माता उसे खा जाती थी। एक दुखी माँ का विलाप देखकर विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि उसके बेटे की जगह वह नगर का राजा और भूखी माता का भोग बनेंगे। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पूरे शहर को सुगंधित भोजन से सजाने का आदेश दिया। जगह जगह 56 भोग सजा दिए गए। भूखी माता की भूख विक्रमादित्य को अपना आहार बनाने से पहले ही खत्म हो गई और उन्होंने विक्रमादित्य को प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। देवी ने खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान की बलि न लें और कृपा करके नदी के उस पार ही विराजमान रहें, कभी नगर में प्रवेश न करें। राजा की बुद्धिमानी से देवी प्रसन्न हो गई और उन्हें वरदान दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के पार मंदिर बनवाया। मंदिर में अब इंसान की नहीं बल्कि पशुओं की बलि दी जाती है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया जाता है।